नमस्कार। सो रायसर का मेरा टूर ऑन है उदयपुर का, और आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज। जैसा कि हम जानते ही हैं कि दो कैंपस हैं पैसिफिक के अराउंड उदयपुर, और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं। देखिए, सच्चाई की बात यह है कि जब मैंने और पता किया, होते हैं ना कि पुराने लाला जी के दो बेटे हैं तो एक बेटे को ये वाला कॉलेज दे दिया गया है, एक बेटे के पास PIMS है। सो दिस इज़ पैसिफिक मेडिकल कॉलेज, और ये है पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर। जी हाँ, एक अलग से यूनिवर्सिटी है पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके साथ ही एफिलिएट हो जाता है। सो दिस कॉलेज इज़ नॉट एफिलिएटेड टू रायसन यूनिवर्सिटी और RUMS, बट पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी। पैसिफिक ग्रुप की एक पैसिफिक यूनिवर्सिटी भी है, जस्ट टू टेल यू, और ये पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसी कैंपस के अंदर MBBS, BDS, MD, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, काफ़ी सारे और पैरामेडिकल कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं, इसलिए नाम इसका पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और उसके अंदर ये हो गया पैसिफिक मेडिकल कॉलेज। आप देख सकते हैं कि कॉलेज का मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, और यहाँ पर तीन केमिस्ट की दुकानें हैं, और तो उससे आपको एक आइडिया लग सकता है। एक दो एम्बुलेंस भी खड़ी है। तो जितना हम राजस्थान के उदयपुर के टूर पर बात कर रहे हैं, डेफिनेटली देखिए, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो गीतांजलि, अमेरिकन, अनंता, आई थिंक दी प्रायरिटी और दी क्राइटेरिया और दी यू नो इज़ वेरी वेरी क्लियर। हाँ, दिस पैसिफिक वर्सेज दैट पैसिफिक मैं कल तक बताऊँगा, कल मैं दूसरे पैसिफिक में जाऊँगा, लेकिन डेफिनेटली पैसिफिक विल कम लोअर दैन गीतांजलि, अनंता एंड अमेरिकन इन टर्म्स ऑफ पेशेंट फ्लो, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एल्स। इस कॉलेज में आके लगा कि हाँ भाई, इनको भाई कैंप लगाने पड़ रहे हैं, जो हम टिपिकल UP हरियाणा कॉलेजों में सुनते हैं। और मैं जब लोगों से बात कर रहा था कि अभी कैंप लगाए जाते हैं जिससे पेशेंट आते हैं, अंदर फ्री मेटर्निटी है फॉर नॉर्मल एज वेल एज सिजेरियन डिलीवरी। बाकी राजस्थान में हम जानते हैं जनरली पेशेंट फ्लो की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि भाई भामाशाह स्कीम, चिरंजीवी स्कीम, ESI, सब लोग मरीज यहाँ पर आ सकते हैं। पर सबके बावजूद अगर इन्हें कैंप लगाने पड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उतना लोकेशन देखिए बहुत ख़राब नहीं है। तो ये भी उदयपुर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, और ये उस रोड पे है जो उदयपुर से माउंट आबू जा रही है। तो अभी तक होता ना, अनंता था जो कि दिल्ली की रोड थी, अमेरिकन था जो चित्तौड़गढ़ रोड थी, और गीतांजलि तो शहर के बीचों बीच ही था, या शहर से 3 किलोमीटर बाहर था। तो ये जो कॉलेज है, ये जैसे उदयपुर से हम चलते हैं आबू रोड की तरफ या आप माउंट आबू की तरफ, लेकिन 5 किलोमीटर के अंदर आ जाता है, तो बहुत दूर नहीं है। मतलब लोकेशन वाइज ना कोई ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस बिल्कुल यू नो जंगलों में हैं, और चूंकि बड़े चौड़े चौड़े हाईवेज हैं ना, ये 5 किलोमीटर पार करने में लगते 5 मिनट ही है। अगर आपको मेरे UP के वीडियो याद हो, भी कृष्णा मोहन वो मेन रोड से चाहे अंदर 20 किलोमीटर था, और वो रोड इतनी पतली और टाइट और इतनी डेंजरस थी कि आपको लगता था कि आप बिल्कुल दुनिया से दूर चले गए हो। जहाँ पर ऐसी फीलिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स ये ना थोड़ा अंदर आ गया। अगर आप इस रोड को देख रहे हो तो हाईवे से तकरीबन हम पूरा 1.5 किलोमीटर अंदर आए थे। ये 1.5 किलोमीटर बिल्कुल भी सुनसान एरिया था, इसके बाहर मेन हाईवे था, और 5 किलोमीटर के अंदर आप एक तरह से उदयपुर को टच कर जाओगे, उदयपुर के आउटस्कर्ट्स को। तो आप उदयपुर के आउटस्कर्ट से 5 किलोमीटर ही दूर हो। सेम हर जगह है, डबल शेयरिंग रूम है, और राजस्थान में हर जगह 2.5 लाख रुपये हॉस्टल और फूड होता है। मुझे पैसे वालों ने बताया कि 2023 के लिए भी वो फीस को कम कर देंगे, और 24 लाख के बदले जो लास्ट ईयर उन्होंने लॉन्च कर दी थी, 20 लाख रुपये फीस से ही लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर हम सभी जानते हैं कि 2022 के सेशन में राजस्थान की MBBS सीटें थोड़ी खाली सी रहने लग गई थी बिकॉज ऑफ़ दी हाई फीस स्ट्रक्चर। तो मुझे मैम ने बताया कि 20 लाख तक ही इस बार फीस को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा फॉर MBBS, इट हैज़ बीन डिसाइडेड। तो ये है आप सब बच्चों के लिए, जो लोग अगेन मैं कहता हूँ नॉर्थ इंडिया के अपने मज़े हैं। उदयपुर की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट भी उदयपुर में है, और दिल्ली से तो ओवरनाइट ट्रेन है बहुत अच्छी, और भी बाकी शहरों से होगी, पर दिल्ली से तो बहुत दो ट्रेन है जो बिल्कुल ओवरनाइट है। सो दिल्ली के बच्चों के लिए, दिल्ली के आसपास के बच्चों के लिए, मतलब पेरेंट्स ने अगर मिलने आना है तो कनेक्टिविटी वगैरह कोई इशू नहीं है। हाँ, बस वही दिक्कत है कि राजस्थान क्लोज स्टेट है, और राउंड 2 में ओपन होता है, वो भी राजस्थान के बच्चों के बाद। तो ये ना बड़े विचित्र तरीके से ओपन होता है कि सेकेंड राउंड में भी अगर राजस्थान डोमिसाइल के 200 नंबर हैं और दिल्ली डोमिसाइल के, हरियाणा डोमिसाइल के 400 नंबर हैं, तो पहले सीट राजस्थान वाले को दी जाएगी। फीसें फिर भी ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह यही होती है, उसका कारण ये, उसकी वजह से ये होता है, 170-180 नंबर राजस्थान डोमिसाइल वाले को भी राजस्थान में सीट मिली जाती है। तो एक तरह से मैं ये भी कहूँगा कि राजस्थान बच्चों को भी ओपन रहना चाहिए। अगर आपके 300 नंबर हैं तो आपको इससे आधी फीस में अच्छा एडमिशन मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छे कॉलेज हैं जहाँ 12 लाख साल की फ़ीस है, हरियाणा के आदेश हो गया, वो सब हो गया, तो यहाँ 20 लाख रुपये साल के देने से अच्छा है
कि आपके पास काफ़ी ऑप्शन है जहाँ 11-12 लाख रुपए साल में आप काम चला सकते हो। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।